महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त खलबली मची हुई है। महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है और इस राजनीतिक संकट के पीछे कोई और नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के सबसे करीबियों में से एकनाथ शिंदे हैं। एक समय था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और ठाकरे परिवार के दाहिने हाथ कहे जाते थे। एकनाथ शिंदे अपने संगठनात्मक कौशल और जन समर्थन के बल पर शिवसेना के शीर्ष नेताओं में शुमार है और आज शिवसेना के वरिष्ठ चेहरों में गिने जाते हैं। उनका नाम सीएम पद के दावेदारों में भी गिना जाता है। एकनाथ शिंदे राजनीति का वो चेहरा है जो बहुत निचले स्तर से राजनीति का लंबा सफर तय करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मूल रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले से ताल्लुक रखने वाले शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था और 70 के दशक में उनका परिवार मुंबई से सटे ठाणे आ गया था। उस वक्त शिंदे की उम्र मात्र 10 साल की थी। परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से शिंदे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। इसके अलावा घर चलाने के लिए शराब कारखाने में भी नौकरी कर चुके हैं। राजनीति में दिलचस्पी के चलते शिंदे 80 के दशक में शिवसेना के साथ जुड़ गए थे। वे जब शिवसेना के साथ जुड़े तो अपने दमदार अंदाज के चलते एक सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी हासिल की। उनकी सक्रियता और समर्पण को देखते हुए उन्हें ठाणे नगर पालिका में सदन का नेता बना दिया गया। माना जाता है कि ठाणे में एकनाथ शिंदे की तूती बोलती है। यहाँ उनका प्रभाव ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, हमेशा उनका उम्मीदवार ही चुनाव जीतता है। 2004 में कोपरी पंच पखारी सीट जीतकर पहली बार विधायक बने और लगातार 4 बार से चुनाव जीतते ही आ रहे हैं। 2006 में राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही वो ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। 2019 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के अनुसार एकनाथ शिंदे पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि किसी भी केस में अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। एकनाथ शिंदे के पास लगभग 2 करोड़ की चल संपत्ति है और 9 करोड़ की अचल संपत्ति है। शिंदे के पास एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी है। शिवसेना से बाहर शिंदे का राजनीतिक प्रभाव तब दिखाई दिया जब 2019 में भाजपा से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे को ये भरोसा था कि वे अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अचानक से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए और शिंदे की हसरतें दब गई। कहा जाता है कि तब से ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के रिश्ते में खटास आ गई थी जो अब सबके सामने है। आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।